हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि अपने ओएम पार्ट टू वॉल्यूम वन की चर्चा कर रहे थे, तो इसमें दोस्तों अपनों ने इसका फर्स्ट चैप्टर अभी कल ही स्टडी किया है, जो था रिकॉर्ड सेक्शन। राइट दोस्तों, रिकॉर्ड सेक्शन में क्या होता है कि सारे जितनी भी डाक्स आती हैं उनका रिकॉर्ड करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये सारा काम रिकॉर्ड सेक्शन में होता है। और दूसरा दोस्तों, स्टेशनरी से रिलेटेड जो काम था वो काम मैंने इसके अंदर पढ़ा। और दोस्तों, इसका पैरा नंबर 61 जो था, वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने थोड़े इसके डिस्कस करें। दोस्तों, आज मैं उसका रिविज़न नहीं करवा रहा हूँ। इसके 4 से 5 चैप्टर जब पूरे हो जाएंगे तब अपने इनका रिविज़न करेंगे एक साथ। तो ताकि चीज़ें एक बार आपके कंसॉलिडेट हो जाए और एग्जामिनेशन में आपके यूज़ आए। तो आज दोस्तों अपने सेकेंड नंबर चैप्टर पर चलेंगे, वो है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको मैं बोलता हूँ एडमिन सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन पे सेक्शन, या जिसको एडमिन पे सेक्शन बोलते हैं, जिसको एएन पे भी बोलते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, कई बार अपने लेटर वगैरह लिखते हैं तो जो सब ऑफिसेज़ के लोग जो हैं, मेन ऑफिसेज़ को लेटर लिखते हैं, पीसीडी सीडीए को लेटर जब लिखते हैं तो एएन पे से इसको दर्शाते हैं। इसको एएन वन से दिखाते हैं, एएन से दर्शाते हैं। एडमिन में भी दोस्तों कई ऑप्शन होते हैं इसमें, एएन वन, एएन टू, एएन थ्री, ठीक है। ये इनको उनका भी सब डिवीज़न किया रहता है अंदर काम का। यस और नो? तो दोस्तों, अपने को मेन इनकी ड्यूटीज़ पढ़नी है। और इस चैप्टर की दोस्तों खास बात यह है कि इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिन पे सेक्शन की ड्यूटीज़ जो है वो कंबाइन दी गई है। तो अब आपको दोस्तों एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन के अंदर ये दोनों नहीं दे सकता। या तो ये देगा या फिर ये देगा। और फिर भी मान लो दे दे, तो जो पेमेंट से जो काम होगा उसका एडमिन पे करेगा, और जो पेमेंट के अलावा जो काम होगा, जो इनकी ड्यूटीज़ भी दिया गया है, वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन देगा करेगा सॉरी ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको इसमें याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और इसमें याद रखनी है, ये जो सेक्शंस जो हैं मेन हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिन पे जो हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो डीएडी की ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो डीएडी का डिपार्टमेंट है, उससे रिलेटेड जो भी कैजुअलिटी होती है, वो सारे काम जो हैं ये दोनों सेक्शन करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या काम है। और इसके नाम से दोस्तों पता लगेगा आपको, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। दोस्तों, प्रशासन कौन होता है, प्रशासक कौन होता है? दोस्तों, राजा कौन होता है? जो प्रजा को मेंटेन करे, उनसे रिलेटेड सारी जिसके पास डिटेल्स अवेलेबल हो, तो वो सारा काम दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, प्रशासक का होता है। तो हमारे ऑफिसेज के अंदर, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, हमारे डीएडी के अंदर भी एक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है, जिसके अंदर उसका मेन काम जो है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, और उस पर दोस्तों पूरा होल्ड रहता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे। और दोस्तों, बहुत पावरफुल सेक्शन हमारे लिए रहता है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। तो इसकी ड्यूटियाँ जब आप पढ़ोगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि ये पावरफुल क्यों है। क्योंकि दोस्तों, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन से रिलेटेड आपकी अपार जो है यहाँ पे जाती है, आपके सर्विस डॉक्यूमेंट दोस्तों यहाँ मेंटेन होते हैं, आपका ट्रांसफ़र करना है, पोस्टिंग करना है, कंफर्मेशन करना है आपका, ये तो सारी पावर दोस्तों इन्हीं को ही दी गई है। तो दो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन जो होता है, जो एडमिन सेक्शन होता है, वो काफ़ी पावरफुल होता है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि इनको बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो देखिए दोस्तों, अपने पर्टिकुलर ड्यूटीज़ पढ़ते हैं, इनकी क्या दी गई है। नंबर फर्स्ट है दोस्तों, लुक आफ्टर मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करूंगा कि लुक आफ्टर करना है ऑर्गेनाइजेशन का, तो एडमिन पे तो नहीं कर सकता, तो ये किस में आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन का काम है, एडमिन सेक्शन का काम है। तो लुक आफ्टर मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है डीएडी की ऑर्गेनाइजेशन का देखभाल करना, लुक आफ्टर करना। दूसरा है टू प्रोवाइड अ हेल्दी लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन फॉर ऑफिसर्स एंड स्टाफ। एक हेल्दी लिविंग, एक वर्किंग अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करना किसको, ऑफिसर्स और स्टाफ को, ये भी इसी का काम है। आगे चलिए दोस्तों, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफिस। ऑफिस के अंदर जो जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन का काम है, उनको मैनेज करने का काम है, एंड इट्स सब ऑफिसेज और उनके सब ऑफिसेज के द्वारा। दोस्तों, सब ऑफिस का मतलब पता है आपको दोस्तों, मेन ऑफिस जो होता है, सबसे पहले दोस्तों हमारा हेडक्वार्टर ऑफिस आता है, हेडक्वार्टर ऑफिस दोस्तों जो डीएडी हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, जो ऑफिस है हमारा, उसको मैं बोलता हूँ, पहले सीजीडी ऑफिस बोलते थे, अब डीएडी हेडक्वार्टर इसका नाम बदल के कर दिया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों मेरा मेन ऑफिस। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है मेरे मेन ऑफिस, जिसके अंदर मेरे पीसीडी सीडी आते हैं सारे, इसके बाद आता है दोस्तों सब ऑफिस, जिसके अंदर जितने भी सब ऑफिसेज हैं, जो पीसीडी सीडी नहीं, वो बाकी सारे सब ऑफिसेज, जैसे एलओज हैं, जैसे आरओज ऑफिस जो हैं, जैसे एओजीई ऑफिस जो हैं, जैसे बीएसओ के दोस्तों ऑफिसेज जो हैं, और भी तमाम तरीके के जो छोटे ऑफिसेज हैं, वहाँ पे उनको सब ऑफिस बोलता हूँ मैं। पीसीडी सीडी के अंदर दोस्तों कौन कौन से अधिकारी बैठते हैं, पीसीडी बैठेगा यहाँ, यहाँ सीडी साहब बैठते हैं, वो हायरार्की दोस्तों अभी मैं बताऊंगा आपको इस चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, एक बार और याद करवाऊंगा आपको। इनकी रैंक्स जो है पीसीडीए के अंदर सारे ऑफिसर्स की और सीजीडीए के, जैसे ओएम पार्ट वन में भी अपनों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था उसको, तो वो भी अपने बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं सब ऑफिस के बारे में बता रहा था आपको कि हेडक्वार्टर ऑफिस हमारा कौन हो गया, डीएडी का हेडक्वार्टर, मेन ऑफिस हमारा कौन हो गया, पीसीडी सीडी, और सब ऑफिस हमारा कौन हो गया, जो छोटे ऑफिस हैं। तो इनसे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो करता है ये सेक्शन।
दूसरा दोस्तों रिक्रूटमेंट, आपका रिक्रूटमेंट हुआ था तो लेटरबाजी जो हुई थी आपकी, जो रिक्रूटमेंट की जो डिटेल्स जो गई थी, आपने ऑफिस में ज्वाइन कर लिया गया, वो रिक्रूटमेंट की डिटेल एडमिन सेक्शन में गई थी। पोस्टिंग दोस्तों आपकी होती है, आपके ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाओगे तो लेटर यहीं से निकलता है, ठीक है, जो ट्रांसफर का लेटर है वो यहीं से निकलता है। कंफर्मेशन का दोस्तों लेटर, मान लो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, पार्ट ऑर्डर पब्लिश करना है, तो ये सारे काम भी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के हैं मेरे, राइट। अब देखिए दोस्तों पे इंक्रीमेंट प्रमोशन लीव, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे का काम आ गया तो एडमिन पे करेगा, तो मतलब ड्यूटीज़ दोस्तों मिक्स दी गई है, राइट। तो देखिए इसके अंदर आपको जनरल आपको याद रखना है, रिक्रूटमेंट का काम, पोस्टिंग का काम, ट्रांसफर का काम, कन्फर्मेशन का काम, पे का काम, राइट, इंक्रीमेंट्स का काम और प्रमोशंस का काम और लीव का काम, राइट। तो ये सारे काम जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन करता है, एडमिन सेक्शन करता है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों कंडक्ट एंड डिसिप्लिन से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो इनके पास रहती है। अपार से रिलेटेड, आप अपार जिसको भर के भेजते थे पहले ऑफलाइन फॉर्म में, अभी तो मान लो स्पैरो आ गया, राइट। तो स्पैरो का दोस्तों फुल फॉर्म देना है आपको, SPARROW, ठीक है, इसका फुल फॉर्म देना है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिकॉर्ड रिपोर्टिंग ऑनलाइन विंडो, ठीक है, बता दिया मैंने आपको इसको दोस्तों, कमेंट में एक बार और लिखिए आप, ठीक है, तो आपको और याद हो जाएगा, राइट। दोस्तों जो मैं कमेंट में बोलूँ लिखने के लिए उसको कृपया करके पॉज करके वीडियो लिख दीजिए, ताकि दोस्तों आपके फ़ायदे के लिए बोलता हूँ कि याद हो जाए आपको, ठीक है। एक बार लिखोगे, एक बार सुनोगे, एक बार बोलोगे, एक बार किताब में पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी, येस और नो। आगे देखिए दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, उनसे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिन सेक्शन का काम है। अभी आपका 2 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, कल को SAS का एग्जामिनेशन होगा। तो दोस्तों आपने जो रोल नंबर भर के दिया है तो क्या आपने ध्यान से देखा था उसकी फॉरवर्डिंग पे आपने कौन सा सेक्शन भरा है मेन ऑफिस का? तो दोस्तों 101% गारंटी है आपने एडमिन सेक्शन ही भरा होगा, वो भले ही AN1 भरा हो, 2 भरा हो, अलग अलग PCDA CDA के अंदर उनका अलग अलग अरेंजमेंट है, राइट। तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में वो आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का फॉर्म भर के दिया है, राइट। मेंटेनेंस ऑफ सर्विस डॉक्यूमेंट, दोस्तों आपकी सर्विस कहाँ, सर्विस डॉक्यूमेंट मतलब आपकी सर्विस बुक कहाँ मेंटेन होती है, एडमिन सेक्शन में। ऑफिस सिक्योरिटी एंड केयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग फर्नीचर, ये सारा काम भी यही करता है। अब देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने दोस्तों प्रीवियस चैप्टर में बताया था आपको कि जो डाक से रिलेटेड जो काम है उनको डायराइज करना है, इनवार्ड डाक, आउटवार्ड डाक, डिस्ट्रीब्यूशन, तमाम तरीके के जो काम है वो रिकॉर्ड सेक्शन करता है मेरा, राइट। लेकिन एक दोस्तों और काम है, वो है तो डाक से ही रिलेटेड लेकिन वो एडमिन सेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल एक ही काम है दोस्तों, इसको अलग पेन से भी मैंने आपको लिखा है, बताता हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स। डायराइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल एंड और डेमी ऑफिशियल लेटर्स, राइट। दोस्तों कोई सीक्रेट डाक है, कोई कॉन्फिडेंशियल डाक है और डेमी ऑफिशियल लेटर है, राइट। इनका दोस्तों डायराइजेशन मतलब इनको नोट करना और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, किसका, एडमिन सेक्शन का काम है, ठीक है। DO लेटर किसको रेफरेंस किया गया है तो वो उसको भेज देंगे, सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल लेटर जिस ब्रांच को भेजना है, ठीक है, जिस सेक्शन को भेजना है या इनके सेक्शन से रिलेटेड है तो ये इसको ओपन करेंगे। दोस्तों सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल जो लेटर्स है भेजने का तरीका आपको पता है क्या? दोस्तों सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल जो लेटर हैं सबसे पहले तो उसके ऊपर गोपनीय लिखा जाता है, राइट। और इसको दोस्तों डबल लिफाफे में पैक करते हैं, ठीक है, और इनको दोस्तों ऐसे पैक किया जाता है, इनके ऊपर सब्जेक्ट ऐसा लिखा जाता है ताकि इसके अंदर की डिटेल जो है वो लीक ना हो जाए, ठीक है। या तो इसमें एक बार लेटर नंबर और डेट ही लिखी जाती है ओनली, ठीक है, और गोपनीय करके उस जिस पर्टिकुलर सेक्शन में भेजना है तो उसको आप भेज देते हो। दोस्तों आप अपने ऑफिस के अंदर जाइए, डाक सेक्शन के अंदर जाइए और उससे पूछिए कि भाई तू गोपनीय लेटर कैसे भेजता है, ठीक है। या तो दोस्तों ऑफिसर इंचार्ज खुद ही पैक करता है उन चीज़ों को, या उसके परव्यू में वो कॉन्फिडेंशियल डाक जो है वो पैक करी जाती है, उनका लिफाफा तैयार किया जाता है, राइट। आगे देखिए दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक एंड अदर एलाइड रजिस्टर। कैश बुक दोस्तों क्या होती है, आप अपने ऑफिस में जाइए, आपने कुछ सामान परचेज किया है तो उसके अंदर एक जगह क्रेडिट होगा इतना पैसा आया, एक जगह डेबिट होगा जितना पैसा गया। जैसे आपको ऑफिस में कंटिजेंसी मिलती है, ठीक है, मान लो 5,000 रुपये मेरे ऑफिस को मिलते हैं हर महीने स्टेशनरी खरीदने के, राइट, मेरा डिपार्टमेंट मुझे दे रहा है, तो दोस्तों मैं कितनी स्टेशनरी खरीदूंगा, तो मैं 5,000 मैंने ले लिए क्रेडिट के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर फिर मैंने 500 रुपये के महीने में मान लो पेपर खरीद लिए, रिम्स खरीद लिए, 200 रुपये के रजिस्टर खरीद लिए, ठीक है, 500 रुपये के पेन खरीद लिए, ठीक है, स्टेपलर खरीद लिए, टैक्स खरीद लिए, तो ये सारे दोस्तों बिल जो आ जाएंगे, GST इन्वॉल्व बिल, वो सारे मैं मेरे फाइल्स में लगा दूंगा और उनको CRV बना के उसको मैं चार्ज में ले लूँगा, ठीक है। दोस्तों CRV बना के चार्ज में लेते हैं, ठीक है। दोस्तों इंटरनल प्रोसेस है ऑफिस का, अगर आप देखोगे जाके तो आपको ये चीज़ें मिलेगी, CRV फाइल मिलेगी। और दोस्तों कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनको बोलता हूँ एक्सपेंडेबल आइटम, ठीक है, एक्सपेंडेबल आइटम दोस्तों जो कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे मैंने दो डब्बे पेंसिल की खरीदे, ठीक है, तो मैं पहले इसको चार्ज में ले लूँगा और दोस्तों थोड़े टाइम बाद इसको मैं CIV से बना के आउट कर दूँगा ताकि मेरी ये कंज्यूम हो गए, ठीक है। सर्टिफाइड इशू वाउचर, सर्टिफाइड रिसिप्ट वाउचर, इन चीज़ों को बोलते हैं दोस्तों। जब आलम जब अपने पढ़ेंगे LAO का जो पर्टिकुलर वर्क जब अपने पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो क्या बताया दोस्तों मैंने आपको, मैनेजमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन का, DAD का, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन करता है, हेल्दी लिविंग वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है स्टाफ को ये करता है, रिक्रूटमेंट पोस्टिंग ट्रांसफर कन्फर्मेशन पे इंक्रीमेंट प्रमोशन लीव से रिलेटेड सारे काम ये दोनों करते हैं, कंडक्ट डिसिप्लिन करता है, अपार करता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम, मेंटेनेंस ऑफ सर्विस डॉक्यूमेंट,
ऑफिस सिक्योरिटी बिल्डिंग फर्नीचर केयर करना है, ये काम करता है, ठीक है। डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कहीं आप इसमें रिकॉर्ड सेक्शन ना लगा के आ जाओ, इसको मैंने अलग से पेन से राइट किया है यहाँ पे। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक एंड अदर एलाइड रजिस्टर, ठीक है। तो ये सारे काम भी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन करता है। आगे चलिए दोस्तों, आगे है देखिए दोस्तों क्या क्या काम दिए गए हैं। प्रिपरेशन ऑफ पेंशन क्लेम ऑफ गजेटेड एंड नॉन गजेटेड स्टाफ ऑफ द ऑफिस, पेंशन के क्लेम जो है उनसे रिलेटेड प्रिपरेशन करता है। वर्क रिलेटेड टू वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस, ठीक है दोस्तों, सर्विस बुक जो रखेगा वही तो हमारी सर्विस बुक को ईयरली वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो ये सारे काम भी होने चाहिए। बिल्स ऑन अकाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम एक्सपेंसेस, दोस्तों मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो बिल्स हैं, ठीक है, उनका रीइंबर्समेंट करना है, तो वो सारे काम भी यही ऑफिस करता है, राइट। एप्लीकेशन फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, जो आपको दोस्तों बाहर जॉब करनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन देनी है आपको, तो वो कौन से सेक्शन में दोगे दोस्तों, वो भी आप एडमिन सेक्शन में दोगे। आगे दोस्तों क्या काम आता है, प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट इन रेस्पेक्ट ऑफ लोकली कंट्रोल्ड हेड, दोस्तों लोकली कंट्रोल्ड हेड के जो बजट एस्टिमेट जो है वो कौन देगा, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ही देगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिन पे। अब देखिए दोस्तों बार बार कमेंट करके ये मत पूछना कि सर एडमिन लिखूं या एडमिन पे लिखूं, तो दोस्तों ड्यूटी इनकी एक साथ दी गई है तो अपने को एक साथ ही पढ़नी है, किताब से बढ़ के तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, राइट, कोई भी नहीं बता सकता दोस्तों। किताब जो है दोस्तों प्रैक्टिकल वर्क अलग होता है हमारे ऑफिसेज में, ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो है हमें किताब के हिसाब से नहीं चल सकते, राइट, येस और नो। तो इसलिए जो किताब के अंदर लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन पूछी गई है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रेपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकल कंट्रोल हेड इज हैंडल्ड बाई विच सेक्शन, ठीक है, या तो उसके अंदर एडमिन सेक्शन दे देगा, एडमिन पे सेक्शन दे देगा, ठीक है, दोनों में से या तो एक देगा कोई, दोनों ही देगा तो मान लो एक ऑप्शन में दे देगा, तो इस हिसाब से दोस्तों एग्जामिनर अपने आपको सेफ रखता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे दे देगा एप्लीकेशन फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपको उसको कैसे टिक करना है, राइट, येस और नो। अब देखिए दोस्तों LCH का नाम आया तो मुझे लगा कि आपको कुछ चीज़ें और रिवाइज़ करवा देनी चाहिए। दोस्तों जितना आप रिवाइज़ करोगे, जितना चीज़ों को रिवाइज़ करते चले जाओगे, उतनी ही चीज़ें आपको याद होती जाएगी, राइट। दोस्तों अपने चैनल पे 145 से अबव प्लस वीडियो अपलोडेड हैं, ठीक है, अगर आपको वीडियो आपने देख ली, अगर आपको याद नहीं है तो चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरा यही रहता है कि हर वीडियो में मेरा टास्क यही रहता है कि आपको चीज़ें रिकॉल करवाता जाऊं, ठीक है। आज आपको 10 बातें नहीं बताई है तो 5 पुरानी बातें बता के वो भी आपको याद करवा दी जाए। तो देखिए दोस्तों CCH और LCH क्या होता है, लोकली कंट्रोल्ड हेड ओल्ड सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड क्या होता है, तो दोस्तों रटना है आपको सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड को कि इसके अंदर कौन कौन सी बातें आती है, ठीक है। दोस्तों सेंट्रली कंट्रोल हेड के अंदर आने वाले चार्जेस कौन कौन से हैं, ठीक है, सेंट्रली कंट्रोल हेड से मैं कौन कौन से पैसा देता हूँ, राइट। दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड, मतलब जो सेंटर से कंट्रोल होते होंगे, ठीक है, इसकी पावर दोस्तों नीचे वाले लोगों को डेलीगेट नहीं करी गई होगी, राइट। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से चार्जेज आते हैं, पे एंड अलाउंसेस ऑफ द रेगुलर पर्सनल ऑफ द आर्मर्ड फोर्सेज, दोस्तों आर्मर्ड फोर्सेज जो हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स जो हैं, उनके जो रेगुलर पर्सनल हैं, रेगुलर का मतलब है दोस्तों जो वर्क कर रहे हैं वर्तमान में, ठीक है। दोस्तों इसमें पेंशनर्स की बात नहीं करी गई है, ठीक है, इसके अंदर रेगुलर पर्सनल की बात करी है जो वर्तमान में ड्यूटी पर हैं, येस और नो। उनके दोस्तों पे एंड अलाउंसेस के जो खर्चे हैं, उनके जो पे एंड अलाउंसेस के जो चार्जेस हैं, वो सेंट्रल कंट्रोल हेड के अंदर आते हैं। और दोस्तों इनको मैं सेंट्रली कंट्रोल हेड के अंदर क्यों देता हूँ, क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी इन नेचर है, ठीक है, सेंटर खुद कंट्रोल करना चाहता है कि इनके पे एंड अलाउंसेस ना कटे। और दोस्तों आर्मर्ड फोर्सेस के ही पे एंड अलाउंसेस सेंट्रली कंट्रोल हेड हैं, एक चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, रट लो इनको, और किसी का नाम इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, ओनली आर्मर्ड फोर्सेस के जो पे एंड अलाउंसेस है वो भी रेगुलर पर्सनल के, राइट, उनका नाम उनकी जो पे एंड अलाउंसेस हैं उनका सेंट्रली कंट्रोल हेड के अंदर दिया गया है। दूसरा दोस्तों आर्मर्ड फोर्सेस को तनख्वाह देनी है, उनको पे देनी है, उनको अलाउंस देने हैं, तो दोस्तों वो ऑब्लिगेटरी इन नेचर है, वो बाध्य है गवर्नमेंट देने के लिए, राइट, इसलिए दोस्तों उनको रखा गया है, ठीक है, पे एंड अलाउंसेस ऑफ रेगुलर पर्सनल ऑफ द आर्मर्ड फोर्सेस, दूसरा दे दिया इसके अंदर वो ऑब्लिगेटरी इन नेचर है, राइट, तीसरा दे दिया दोस्तों डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन ऑफ द आर्मर्ड फोर्सेस। अब दोस्तों क्या ये लाइन टफ है, ठीक है, अब किताब में पढ़ोगे क्या बोल दोगे सर ये लाइन टफ तो है, अरे भाई मेरे लिए लाइन टफ नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन ऑफ द आर्म फोर्सेज का मतलब है जितने लोगों को मैं तनख्वाह बांट रहा हूँ, जितने आर्मर्ड फोर्सेज के लोगों को तनख्वाह बांट रहा हूँ, जितने आर्मर्ड फोर्सेज के लोगों को ऑफिसर्स को PBORs को तनख्वाह बांट रहा हूँ, तो उतनों को ही तो बांटूंगा जितने लोग हैं, तो इस लाइन में वही दिया गया है उतनी इनकी स्ट्रेंथ है, जितना उनका कंपोजिशन है, कंपोजिशन है मतलब दोस्तों उसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर कितने ऑफिसर्स जो हैं, कितने PBORs हैं, कितने JCOR हैं, ठीक है, उसको बोलता हूँ मैं कंपोजिशन, राइट। एक दोस्तों इसमें कंपोजिशन मैंने स्ट्रेंथ जब पढ़ा तो मुझे एक शब्द और याद आ गया यहाँ पे, स्केल ऑडिट। दोस्तों स्केल ऑडिट का नाम सुना होगा, किसी भी यूनिट की इफेक्टिव स्ट्रेंथ देखने को बोलते हैं स्केल ऑडिट, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए, राइट। और इस समय समय पे स्केल ऑडिट की जाती है कि किसी यूनिट के अंदर कितने ऑफिसर्स, JCOR, जवान, PBORs, जितने भी पोस्टेड है। दोस्तों दो रैंक होती है ऑफिसर की, एक होती है PBOR, पर्सनस बिलो ऑफिसर रैंक, ठीक है, एक होते हैं ऑफिसर, एक होते हैं पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, ठीक है। तो इनकी दोस्तों कितना कंपोजिशन है, कितनी इनकी ऑथोराइज्ड स्ट्रेंथ है,
और कितने एक्चुअल में पोस्टेड हैं, तो वो सारे आपको बोलते हैं स्केल ऑडिट। ठीक है, तो दोस्तों जितने होंगे उतनों को तो तनख्वाह दूंगा मैं, राइट। चार नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों, एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड सेंट्रली बाय द आर्मर्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर। दोस्तों आर्मर्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। आर्मी का दोस्तों, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो उनका रेस्पेक्टिव जो हेड जो हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उनको हेड करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इनके अंदर कितने PSO हैं, राइट, इनके कितनी ब्रांचेस हैं, क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच, मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस, वो आप डिफेंस सर्विस एस्टीमेट के 3 या 4 वीडियो हैं हमारे, वहाँ जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर, राइट। दोस्तों सेंट्रली कंट्रोल हेड मैंने पढ़ा आपके लिए, क्या पढ़ा दोस्तों, आर्मर्ड फोर्सेज के पे एंड अलाउंसेस है रेगुलर पर्सनल के, जो बाध्य तरीके हैं, ऑब्लिगेटरी है नेचर्स में, राइट। किस पे डिपेंड करते हैं, जितने लोग होंगे, जितनी स्ट्रेंथ होगी, जितनी कंपोजिशन होगी, राइट। और एस्टीमेट्स प्रिपेयर्ड सेंट्रली बाय द आर्मर्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर दिल्ली, ठीक है। दिल्ली मतलब को भले ही आर्मर्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर लिखो आप, ठीक है। दोस्तों ये चार लाइनें आप सेंट्रली कंट्रोल हेड का सवाल आ गया ये लिखाओगे तो 101% है, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, राइट। अब चलिए दोस्तों लोकली कंट्रोल हेड पे, लोकली का मतलब है लोकल, 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 लोकली कंट्रोल हेड का मतलब है दोस्तों लोकल पे जो काम होगा, लोकल अथॉरिटी जो काम करेगी, लोकल अथॉरिटी भी ना बोलूं, जो आर्मर्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स के अलावा जो अथॉरिटी काम करेगी उसको मैं बोलता हूं मेरी लोकल कंट्रोल हेड, राइट। कौन कौन से हैं दोस्तों, पेमेंट्स टू द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयड इन स्टोर डिपो फैक्ट्री। दोस्तों कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, कुछ इंडस्ट्रियल पर्सन होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं नॉन इंडस्ट्रियल पर्सन, राइट। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में आपको चार्ट में बताऊंगा इन्हीं वीडियोस के अंदर, या तो आज वाले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। दोस्तों इनको डिफेंस सिविलियंस बोला जाता है, ठीक है, डिफेंस सिविलियंस बोला जाता है, और दोस्तों इनकी तनख्वाह जो है वो डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से आती है, इसलिए मैं इनको डिफेंस सिविलियन बोलता हूँ। दोस्तों आपकी और मेरी तनख्वाह जो है वो डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से नहीं आती, हमारी तनख्वाह सिविल एस्टीमेट से आती है, राइट। इनकी तनख्वाह दोस्तों डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से आती है, तो इनको मैं डिफेंस सिविलियंस बोलता हूँ। दोस्तों इनसे रिलेटेड जो पेमेंट का काम है, ठीक है, स्टोर डिपोज में काम कर रहे हैं दोस्तों, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज़ मान लो ऑब्सोल्यूट हो गई अब, दोस्तों डिपोज जो रहते हैं, डिपोज भी दोस्तों कई प्रकार के रहते हैं हमारे डिपार्टमेंट्स में। दोस्तों कुछ एम्यूनेशन डिपो रहते हैं, कुछ ऑर्डिनेंस डिपोज रहते हैं। एम्यूनेशन डिपो में दोस्तों एम्यूनेशन आता है, गोला बारूद रहता है उसके अंदर, ठीक है, तो उनके बक्से होते हैं दोस्तों भारी भारी बक्से, ठीक है, तो उनके भारी भारी बक्से उठाने के लिए जो आर्मी के सपोर्ट में है, जवान्स के सपोर्ट के अंदर कुछ लोगों को रिक्रूट किया जाता है सेंट्रली, ठीक है। ये भी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, इन पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सारे नियम कानून लागू होंगे, ठीक है। तो इनके से रिलेटेड जो पेमेंट है वो लोकली कंट्रोल हेड में रहती है मेरी, राइट। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो लोकली कंट्रोल हेड में रहेंगे। मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, पेमेंट फॉर स्टोर परचेज, कुछ सामान परचेज किया यूनिट्स ने, ठीक है, कमांड्स ने, ब्रिगेड्स ने, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो पेमेंट का काम है वो मेरा लोकली कंट्रोल हेड का है। वर्क्स का एक्सपेंडिचर दोस्तों MES जो एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, MES जो एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, उससे रिलेटेड मेरा काम दोस्तों कौन सा है, लोकली कंट्रोल हेड। पेंशन दोस्तों बांटता है मेरा DPDO ऑफिस, राइट, पेंशन जो मेरा DPDO ऑफिस बांट रहा है वो सारा काम मेरा लोकली कंट्रोल हेड के अंदर है। एस्टीमेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय कमांड हेडक्वार्टर, इंडिपेंडेंट एरिया कमांडर्स, यूनिट एंड फॉर्मेशन। दोस्तों बात समझ में आई, CCH याद रखो, LCH अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, CCH याद रखो, LCH अपने आप याद हो जाएगा। इनसे रिलेटेड सारा जो काम है आर्मर्ड फोर्सेज के पे एंड अलाउंसेज, वो भी रेगुलर पर्सोनल के अलावा जो काम है वो सारा काम LCH में आते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा याद करवाने को बता देता हूँ, मान लिया मैंने यहाँ पे पर्सोनल का रेगुलर पर्सोनल को बोल दिया, तो दोस्तों इनकी पेंशन कौन देगा, पेंशन याद हो गया। MES जो वर्क करती है, वर्क्स को एक्सपेंडिचर है, वो कौन करेगा, वो मेरा LCH करेगा, राइट, येस और नो। और दोस्तों इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय का आपको याद रह जाएगा, बहुत आपको स्टोरी बता दी मैंने लंबी सी। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस मिसलेनियस तो देना ही देना है आपको, राइट, स्टोर परचेज का आपको LCH के अंदर देना है, ठीक है। और दोस्तों ये सारे एस्टीमेट वो कौन कर रहा था, आर्मर्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर, ये सारे एस्टीमेट कौन प्रिपेयर करेगा मेरे, ये करेगा दोस्तों कमांड हेडक्वार्टर। दोस्तों आर्मर्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर, कमांड हेडक्वार्टर के अंदर क्या फ़र्क है, दोस्तों मेरा जो आर्मी की जो कमांड्स हैं, राइट, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, और एक ट्रेनिंग कमांड शिमला। तो दोस्तों ये सारी जो मेरी आर्मी की कमांड्स हैं, ठीक है, जम्मू, पूना, कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर और लखनऊ, यहाँ पे दोस्तों एक इनका जो कमांडर बैठता है, इनकी इनकी कमांड को जो कंट्रोल करने के लिए दोस्तों वो प्रिपेयर करते हैं LCH, ठीक है। इंडिपेंडेंट एरिया दोस्तों कमांड से जस्ट नीचे आएगा, ठीक है, एक एरिया डिवाइड कर दिया। कमांडर्स दोस्तों यूनिट लेवल पे कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, राइट, तो वो सारे जो हैं, वो सारे लोग जो हैं LCH को प्रिपेयर करेंगे। आगे चलिए दोस्तों, अगला है फ्रेंड्स LPC के बारे में बताया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर के अंदर LPC के बारे में बताया गया था, लास्ट पे सर्टिफिकेट, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन टू अदर। दोस्तों क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा किससे, एक एस्टेब्लिशमेंट से, किसी एक ऑफिस से, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से किसी दूसरे के अंदर, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसका द डिटेल्स ऑफ लास्ट पे ड्रॉन
एनी एडवांसेस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द ऑफिशियल एक्सेट्रा आर कम्युनिकेटेड टू द न्यू एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एलपीसी। दोस्तों एलपीसी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के अंदर कोई भी इंडिविजुअल जब ट्रांसफर हो जाता है, पोस्टिंग हो जाती है उसकी, तो उसकी सारी डिटेल्स जो है हम एलपीसी के अंदर भर के देते हैं। राइट, येस और नो? तो अगर इसका लास्ट पे ड्रॉन, जिसने उसने लास्ट तनख्वाह ली है, वो सारी डिटेल होगी। और दोस्तों ये जब आप पढ़ोगे तो आप थोड़ा सा इसके अंदर मुश्किल में जा सकते हो। एनी एडवांसेस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द ऑफिशियल, इसका मतलब क्या है दोस्तों? एनी एडवांसेस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द ऑफिशियल, इसका मतलब है दोस्तों हमें कुछ एडवांसेस मिलते हैं। राइट, सिक्स सीपीसी के अंदर दोस्तों बहुत सारे एडवांसेस मिलते थे, बाइसाइकिल एडवांस, कार एडवांस, साइकिल एडवांस, पंखा एडवांस, बहुत सारे प्रकार के एडवांस थे, ठीक है, पहले वाले पे कमीशन में। दोस्तों सेवन सीपीसी के अंदर बहुत सारे जो लगभग जो एडवांसेस है बंद कर दिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको कंप्यूटर एडवांस मिलता है, ठीक है, हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के मान लो किसी ने कंप्यूटर का परचेज किया है, ठीक है, एडवांस का मतलब है कंप्यूटर परचेज करने से पहले उसने ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों सीलिंग्स रहती हैं, इनकी लिमिट रहती है कितना उसको मिलेगा, ठीक है, 50,000 इसकी लिमिट है। कितनी लिमिट है वो आपको मैं स्वामी हैंडबुक दोस्तों उसका एक थोरो अपने डिस्कशन करेंगे, एक वीडियो बनाऊंगा 15-20 पेज की उसकी, राइट, एक 1.5 घंटे की, तो उसके अंदर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको एडवांसेस से रिलेटेड। तो और उसके अंदर दोस्तों अपने देखेंगे कि सारी चीज़ें इनका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है। राइट, तो इसके अंदर दोस्तों आपको जो मान लो किसी ने लिया हुआ है, ठीक है, 50,000 रुपये लिया गया है, ठीक है, यहाँ से इसका पहले पेमेंट हो रही थी, ठीक है, हर महीने 5,000 की किस्त बढ़ रहा था, ठीक है, उसका ट्रांसफर हो गया, तो दोस्तों दूसरी जगह जब जाएगा तो उसकी किस्त कटनी चाहिए ना वहाँ पर जाके भी, दूसरे पीसीडीसीडीए के अंदर। राइट, तो उस प्रकार के जो एडवांसेस अगर लिए गए हैं तो वो सारा भी एलपीसी के अंदर मैं लिखूंगा। राइट, आगे दोस्तों प्रोविजनल पेमेंट क्या होता है, प्रोविजनल पेमेंट की बात कर रहे थे। पेमेंट्स मेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इन एंटीसिपेशन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेंक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और ऑफ एडिशनल अलॉटमेंट ऑफ फंड्स टू कवर द एक्सपेंडिचर आर नोन एज प्रोविजनल पेमेंट्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? पेमेंट्स कर दिए आपने, ठीक है, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अंदर, कोई भी हालात के अंदर आपने क्या पूर्वानुमान लगाया कि जो सैंक्शन है, इस पेमेंट जो आपने करी है उसकी रिसिप्ट आ जाएगी, ठीक है, वो जो सैंक्शन है उसकी रिसिप्ट आपको प्राप्त हो जाएगी किससे? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये दे दी। या एडिशनल अलॉटमेंट ऑफ फंड्स टू कवर द एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा कर दिया उसके लिए आपको एडिशनल फंड अलॉट कर दिया गया, ठीक है, उसको बोलता हूँ मैं प्रोविजनल पेमेंट्स। राइट, और दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं प्रोविजनल पेमेंट्स रिलेटेड, वो भी आपको याद रखनी है। प्रोविजनल पेमेंट्स कैन ओनली बी मेड ऑन द पर्सनल ऑर्डर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीसीडीएसडीए। राइट, अब दोस्तों ये बोलोगे कि सर आपने ये लाइन क्यों लिखी, इसमें ऐसा क्या है? तो दोस्तों कई बार क्या है, इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बोल देंगे प्रोविजनल पेमेंट्स कैन ओनली बी मेड ऑन द पर्सनल ऑर्डर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डैश ऑफिसर्स, ठीक है, तो उसके अंदर एओ दे देंगे, डब्ल्यूओ दे देंगे। राइट, तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, तो आपको क्या टिक करके आना है? पीसीडीएसडीए। राइट, इसके बाद दोस्तों पावर डेलीगेट कर सकते हैं एडिशनल सीडीए और जॉइंट सीडीए को। अब दोस्तों जब आपको हायरार्की याद नहीं है वो, ठीक है, तो जब ये चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक बार हायरार्की याद करवाता हूं, ठीक है, जो ओएम वन में अपने ने पढ़ी थी। राइट, तो दोस्तों आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, ए डी जे टी, क्या याद रखना है? ए डी जे टी, ए डी जे टी, ए डी जे टी। राइट, सबसे पहले क्या था दोस्तों? जूनियर टाइम स्केल, सीनियर टाइम स्केल, जूनियर का सीनियर कर दिया, फिर क्या था? जैग ऑफिसर मेरा, ठीक है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड स्केल खत्म होकर ग्रेड आ गया, जैक का सिलेक्शन ग्रेड आ गया। राइट, फिर आगे मेरा सैग, फिर आगे मेरा हैग। राइट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, ये आ गया सीनियर, जूनियर टाइम स्केल, सीनियर टाइम स्केल, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। राइट, इसके अंदर दोस्तों सीजीडीए की जो रैंकिंग हम लोगों ने पढ़ी थी उसके अंदर क्या था? सीजीडीए तो आएगा ही आएगा। राइट, सीजीडीए तो आएगा ही आएगा, तो इसके सारे क्या बन जाएंगे? ए सीजीडीए, फिर सी ए का सीनियर, ए सीनियर ए सीजीडीए, ठीक है, फिर डी आ जाएगा डी ए सी जी डी ए, फिर सीनियर डी ए सी जी डी ए, ठीक है, फिर जॉइंट सी जी डी ए, फिर आ जाएगा सीनियर जॉइंट सी जी डी ए, फिर नीचे की दो जो रैंक थी वो ओनली सी जी डी ऑफिस के अंदर थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने पी सी डी ए सी डी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रैंक्स जो पड़ी थी उसके अंदर क्या था दोस्तों? ए डी जे टी तो आएगा ही आएगा, ए डी जे टी और सी डी ए तो आएगा ही आएगा, सी डी ए आ गया सब में, तो ए सी डी जी ए सी डी ए डी सी डी ए जॉइंट सी डी ए। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों जे टी सीनियर जे टी सी जी डी ए के नीचे क्या था? एडिशनल सी जी डी ए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? एडिशनल सी डी ए, फिर इसको नीचे क्या था दोस्तों? 8 नंबर पे सी जी डी ए, यहाँ पे क्या जाएगा? सी डी ए, इसके बाद दोस्तों क्या जाएगा इसका? पी सी डी ए। राइट, अब देखिए दोस्तों वही जो स्लाइड है वो आपके सामने रखता हूँ मैं, फिर आपको देखिए बेटर में समझ में आएगा थोड़ा सा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपनों ने पढ़ा था हायरार्की ऑफ आई डी एस। राइट, कौन कौन से ऑफिस में? सी जी डी ऑफिस में, पी सी डी ए सी डी ऑर्गेनाइजेशन में, पी आई एफ ए और आई एफ ए ऑर्गेनाइजेशन में। यस और नो? इसके अंदर मैंने क्या पढ़ा? जूनियर टाइम स्केल, सीनियर टाइम स्केल, जैग ऑफिसर, जैग एस जी, सैग, हैग, हैग प्लस, एपेक्स। राइट, सी जी डी ए तो आएगा ही आएगा, सी डी ए तो आएगा ही आएगा, आई एफ ए तो आएगा ही आएगा, ए सीनियर ए, डी सीनियर डी, जे टी सीनियर जे टी, एडिशनल सी जी डी ए और सी जी डी ए। राइट, पी सी डी ए सी डी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोस्तों ए डी जे टी, एडिशनल को यहाँ ले गया, सी जी डी ए का यहाँ गया सी डी ए, फिर नीचे दोस्तों एक पी सी डी ए लगा दिया। इसको कैसे याद किया था अपनों ने? डी डिप्टी, डिप्टी तो आएगा ही आएगा, डिप्टी आई एफ ए, फिर सीनियर डिप्टी कर दिया, फिर जे टी, एडिशनल सी डी ए का आई एफ ए, पी पी। ठीक है, ये सेम हो गया सारी चीज़ें। राइट, तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें अपनों ने लीव और अटेंडेंस में पढ़ी थी चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, ओएम का चैप्टर नंबर 5 लीव एंड अटेंडेंस में पढ़ी थी, वहाँ पे जाके भी इसको एक बार और समझ सकते हो आप। राइट, आगे चलिए दोस्तों।
तो आगे देखिए दोस्तों क्या है, प्रोविजनल पेमेंट्स कैन नॉट बी मेड वेयर देयर इज नो अथॉरिटी। ठीक है, पहले दोस्तों क्या पढ़ा मैंने, प्रोविजनल पेमेंट होती क्या है, ठीक है, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में सैंक्शन के आने की रिसिप्ट के पूर्वानुमान के अंदर मैं प्रोविजनल पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है, या कोई एडिशनल अलॉटमेंट करता हूँ किसी एक्सपेंडिचर पे, उसको बोलता हूँ प्रोविजनल पेमेंट। ठीक है, किसकी पीसीडी सीडी के डिस्क्रिप्शन पे ये प्रोविजनल पेमेंट कर सकते हैं, राइट, वो इनको डेलीगेट भी कर सकते हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, प्रोविजनल पेमेंट कैन नॉट बी मेड वेयर देयर इज नो अथॉरिटी, जहाँ पे अथॉरिटी नहीं है वहाँ पे प्रोविजनल पेमेंट हमें नहीं करनी है, राइट। और दोस्तों लास्ट क्या है, इन नॉर सर्कमस्टांसिस विज ए प्रोविजनल पेमेंट बी मेड ऑन एन अंडरटेकिंग बाय द इंडिविजुअल कंसर्न दैट ही विल रिफंड द अमाउंट इफ रिक्वायर्ड। दोस्तों ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि दोस्तों ये सवाल प्रीवियस एग्जामिनेशन पूछा गया था कि आपसे ये पूछ लेगा कि क्या एक प्रोविजनल पेमेंट कोई भी इंडिविजुअल अंडरटेकिंग लिख के दे दे कि हाँ मुझे प्रोविजनल पेमेंट कर दो और बाद में मैं इसका रिफंड कर दूंगा, तो ये करी जा सकती है। तो दोस्तों कोई भी हालात में नहीं करी जा, इन नो सर्कमस्टांसेस, राइट। तो ये प्रोविजनल पेमेंट कहा गया। आगे देखो दोस्तों, चलिए 101 नंबर पर क्या दिया गया है, क्लेम्स फॉर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पर्सनल इफेक्ट्स आर सपोर्टेड बाय प्रॉपर रिसिप्ट एंड वाउचर्स एंड दैट द कॉस्ट क्लेम डज नॉट एक्सीड द ऑथोराइज लिमिट। क्या बोल रहा है दोस्तों, आप कोई क्लेम करते हो किसकी कॉस्ट का, ट्रांसपोर्टिंग का, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा दोस्तों, जो क्लेम्स होगा इसका, फॉर द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग पर्सनल इफेक्ट्स आर सपोर्टेड बाय प्रॉपर रिसिप्ट, मतलब उसकी आपको प्रॉपर रिसिप्ट लगानी पड़ेगी, वाउचर्स लगाने पड़ेंगे कि हाँ मैं यहाँ गया था तो ये बस की टिकट है, ये मेरे ट्रेन की टिकट है, ये मेरी हवाई जहाज की टिकट है, ठीक है। तो और ये क्या सुनिश्चित करना है कि जो क्लेम जो आपने किया है वो ऑथोराइज लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए, राइट। तो दोस्तों इसको बताने के पीछे मेरा पर्पज़ ये समझाना था आपको, ठीक है। अगस्त 2016 के अंदर दोस्तों ये सवाल पूछा गया था इस नोट से, द कंट्रोलिंग ऑफिसर इज, कंट्रोलिंग ऑफिसर दोस्तों को क्या पावर दी गई है, एम्पावर्ड टू वेव प्रोडक्शन ऑफ रिसिप्ट इन स्पेशल केसेस। दोस्तों ये जो आपने सपोर्टिंग चीज़ें लगाई है ना, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या बोल सकता है, उनको वेव ऑफ कर सकता है, ठीक है, उनका प्रोडक्शन, राइट। वेयर ही इज सेटिस्फाइड दैट द एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट क्लेम्ड, जहाँ पे वो सेटिस्फाइड हो जाए कि जो एक्सपेंडिचर जो क्लेम एक्सपेंडिचर का जो क्लेम किया गया है हैज़ एक्चुअली बीन इनकर्ड एंड रीजनेबल एंड करेक्ट, ठीक है। बताने का मतलब ये है दोस्तों कि कंट्रोलिंग ऑफिसर को पावर दी गई है कि आप जो प्रोडक्शन है रिसिप्ट वाउचर्स का वो ना करें, ठीक है, उनके बिना भी आपका क्लेम जो है पास किया जा सकता है, राइट। अगस्त 2016 में पूछा गया था। आगे चलिए दोस्तों, आगे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, अप्रैल 2018 में पूछा गया है 111 नंबर पर, रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यू, इट इज इंपेरेटिव दैट एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू सेटल एंड रिकवर गवर्नमेंट ड्यूज फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न बाय द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट का कोई भी ड्यू है, गवर्नमेंट को कोई भी पैसा लेना है किसी से इंपॉर्टेंट, किसी भी इंडिविजुअल से, तो क्या जरूरी है कि एवरी एफर्ट, हर एक एफर्ट आपको लगाने हैं कि सेटल एंड रिकवर गवर्नमेंट ड्यूज फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न बाय द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होने से पहले पहले, ठीक है। आपने कोई एडवांस ले रखा है, कोई और आपका गवर्नमेंट के प्रति ड्यू है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है दोस्तों आपके रिटायरमेंट से पहले रिकवरी उनकी करनी बनती है। ये सवाल अप्रैल 2018 में पूछा गया दोस्तों, विद बुक पूछा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एमसीक्यू के अंदर ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट। 154 दोस्तों, मई 2015 में पूछा गया है, केयर कस्टडी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डीएडी बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एमईएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अंदर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी का लेटर नंबर जो है वो भी दिया गया है, पैरा नंबर 154 में जाके आप पढ़ सकते हो, राइट। और दोस्तों क्या है इसके अंदर, 154 नंबर के दोस्तों सी नंबर पॉइंट के अंदर कलेक्टर ऑडिटर एग्जाम में और मई 2015 में आया गया है इशू ऑफ आईएफ सीडीए 13, कि इसके बारे में पूछा गया था कि ये क्या चीज़ होती है, इशू ऑफ आईएफ सीडीए 13, राइट। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, आईएफ सीडीए 13 शुड बी यूज्ड ओनली फॉर केसेस ऑफ फ्रेश चेक्स। दोस्तों आपको फ्रेश चेक इशू करना है किसके इन ल्यू में, किसके बदले में, इन ल्यू का मतलब है किसके बदले में, दोज चेक्स, कौन से चेक, लॉस्ट इन ट्रांजिट, जो ट्रांजिट में लॉस्ट हो गए, ठीक है, रिटर्न अनपेड ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। दोस्तों चेक का पीरियड कितना होता है, 3 महीने दोस्तों, ठीक है, 3 महीने चेक की एक्सपायरी डेट रहती है। कई साल पहले दोस्तों ये 6 मंथ थी, राइट, तो इसको अपडेट करके 3 मंथ कर दिया गया, राइट। जिस डेट से आपको इशू करोगे चेक उसके 3 महीने आप लगा लो नेक्स्ट, तब तक वो वैलिड रहेगा, राइट। डिसऑनर्ड बाय द बैंक ड्यू टू एनी अदर रीजन, ठीक है, बैंक ने मना कर दिया पेमेंट करने से, ठीक है, साइन मैच नहीं हो रहे थे, कांट छांट कर दी, ठीक है, जो अमाउंट लिखी थी उसके अंदर डिफरेंशिएट है शब्दों में, अंकों में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है तो डिसऑनर कर दिया बैंक ने, ठीक है, रस्ते में खो गया दोस्तों, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, तो उस केस में दोस्तों आईएफसीडीए 13 दिया जाता है, ठीक है। देगा कौन दोस्तों, प्रायर अप्रूवल चाहिए पीसीडीए सीडीए एडिशनल सीडीए जॉइंट सीडीए की, ठीक है, पीसीडीए सीडीए एडिशनल सीडीए और जॉइंट सीडीए, समझ में आई दोस्तों, ये 4 रैंक आपको दोस्तों, ये रैंक याद नहीं है तो इसमें आप घूमते रह जाओगे, ठीक है। ऊपर वालों को छोड़ देना है एडी जेटी एडिशनल सीडीए सीडीए पीसीडीए, तो एडी को छोड़ दो, जेटी एडिशनल सीडीए सीडीए और पीसीडीए की प्रायर अप्रूवल चाहिए इशू ऑफ आईएफसीडीए 13 को इशू करने के लिए। आगे चलिए दोस्तों, आगे क्या दिया गया फ्रेंड्स, आईएफसीडीए 13 शुड बी केप्ट अंडर द पर्सनल कस्टडी ऑफ ग्रुप ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों जियो जो होता है एडमिन का, उनकी पर्सनल कस्टडी के अंदर ये सारा लिखा रहता है, मतलब ये इसको रखना है आईएफसीडीए 13 को, ठीक है। और वो क्या इंश्योर करेगा कि ये जेन्युइन पर्पस के लिए ये फॉर्म्स इशू करे गए हों, ठीक है। और दोस्तों इसको बताने के पीछे मेरा क्या पर्पस था, आईएफसीडीए 13 शुड बी केप्ट अंडर द पर्सनल कस्टडी ऑफ जियो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसको दोस्तों बताने का पर्पस यही था कि
ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है, आपको दे देगा। डब्ल्यू के कस्टडी में रहता है, ए ओ के कस्टडी में रहता है, पी सी डी के, तो दोस्तों ये प्रॉपर नाम देगा आपको, ग्रुप ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन, यही किताब के अंदर लिखा गया है, ठीक है, ग्रुप ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सनल कस्टडी के अंदर ये रहता है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 154 का ई जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा उसको मैंने इंक्लूड किया है इसके अंदर। दोस्तों एनपीएस के बारे में बताया, नेशनल पेंशन सिस्टम, दोस्तों इसको पहले न्यू पेंशन स्कीम बोलते थे, याद रखनी है ये बात आपको, न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, अब इसको दोस्तों बोलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए, अब दो टायर में दोस्तों होती है, टायर वन टायर टू, टायर टू टायर वन दोस्तों इंडिविजुअल 10% कटवाता है, 14% दोस्तों गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करती है, राइट। दोस्तों ये 10% पिछले एग्जाम से पूछा गया था, तो उम्मीद है अब की बार 14% पूछ ले, ठीक है। बेसिक प्लस डीए का 10% कट जाएगा, बेसिक प्लस डीए का 14% कट जाएगा इसके अंदर, राइट। लागू कब से दोस्तों 1/1/2004 से, दोस्तों सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे लागू है एक्सेप्ट आर्मर्ड फोर्सेस, दोस्तों आर्मर्ड फोर्सेज जो हैं हमारे जवान जो हैं ऑफिसर जो हैं उनके ऊपर ये न्यू पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम लागू नहीं होता, राइट। और दोस्तों जो पेंशन से रिलेटेड जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अभी आपने सुना होगा दोस्तों जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी थी, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है, जो 2004 से पहले की थी, तो इसमें दोस्तों क्या किया इसने कि पीएफआरडीए के पास जो हमारा जो पैसा जमा होता है दोस्तों एनपीएस का, ठीक है, तो इनका जो पैसा था इसके स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों का, तो वो एनपीएस से निकाल के दोस्तों ये जीपीएफ में डाल रही थी, ठीक है, जनरल प्रोविडेंट फंड में, इसको पैसे को इसमें से डाल रही थी, ठीक है। अभी करंट की न्यूज़ आपको बता देता हूँ, इससे रिलेट कर पाओगे आप, तो इसमें दोस्तों पीएफआरडीए जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसने दोस्तों मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये अमाउंट एनपीएस से निकल के जीपीएफ में जाएगा, तो वो कहेंगे कि भाई ये ऑथराइज नहीं है, ठीक है। तब राजस्थान गवर्नमेंट जो है अब कोर्ट्स में जाएगी, ठीक है, जो भी आगे का प्रोसेस होगा, मतलब इस न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइंस थी कि पीएफआरडीए ने मना कर दिया कि एनपीएस का पैसा हम जीपीएफ में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, पीएफआरडीए की पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, काफ़ी चर्चा में है ये नाम आजकल, राइट। आगे देखिए दोस्तों एनएसडीएल की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटीज़ एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज़ एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये दोस्तों आपको क्या इशू करता है एनएसडीएल, प्राण नंबर इशू करता है, ठीक है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जिसको बोलता हूँ, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। ये तीन फुल फॉर्म याद रखो, लागू कब हुई, टायर वन टायर टू है, 10% आपका, 14% गवर्नमेंट का, राइट। आर्मर्ड फोर्सेज में ये नेशनल पेंशन सिस्टम लागू नहीं है, राइट। आगे चलिए दोस्तों क्या है आगे, फ्रेंड्स 154 के जे में आरटीए एक्ट के बारे में बताया गया था, तो दोस्तों आरटीए एक्ट जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार एक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये कब लागू हुआ, आरटीए एक्ट 2005 इसको बोलते हैं, तो 15 जून 2005 को ये लागू हुआ, और दोस्तों इसके कुछ सेक्शन 15 जून 2005 को लागू हुए, लेकिन ये पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, राइट। दोस्तों आरटीए एक्ट 2005 जो है अलग से एक पूरा टॉपिक है, ठीक है, पूरी किताब है, उसको अपना पढ़ना है, उसके मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन उनकी दोस्तों क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वो मैंने बनाए थे शुरू शुरू के अंदर, तो वो भी आप एक बार रेफरेंस के लिए देख सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके अंदर वॉइस और वो जो वॉइस और जो लिखने का जो है रिकॉर्डिंग का वो मैच नहीं कर रहा, तो आपको थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आएगी, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो दोस्तों ये अपने वापस रिकॉर्ड करेंगे आरटीए एक्ट, राइट, आने वाले टाइम में, तो एक बार इस एग्जाम के लिए दोस्तों आप देख लीजिए क्या है, आरटीए एक्ट 2005 जो 15 जून 2005 को लागू हुआ और पूर्ण रूप से लागू हुआ दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को, यस और नो, 12 अक्टूबर 2005 को, राइट। अब मैं पूछ लूँ दोस्तों आपसे कि फोकल पॉइंट ब्रांच कब आई, ठीक है, एमएससीपी स्कीम कब लागू हुई, ठीक है, तो इनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में दो मुझे, राइट। हर सरकारी संगठन को पीआईओ नियुक्त करना है, इसको क्या बोलता हूँ, लोक सूचना अधिकारी, जिसे अपने सूचना मांग सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट में दोस्तों लोक सूचना अधिकारी है, पीआईओ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पीआईओ को क्या है शर्त, 30 दिन के भीतर सूचना देनी होगी, ठीक है। मान लो मैंने सूचना मांगी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, सरकारी डिपार्टमेंट से, ठीक है, तो मैं उसको लिख के दे दूंगा एप्लीकेशन की, भैया मेरे को ये सूचना चाहिए, ठीक है, तो 30 दिन के भीतर अगर वो दे देगा सूचना तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो दोस्तों अपेलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, तो उसको 30 दिन के अंदर भीतर सूचना देनी होगी, ठीक है। और दोस्तों थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर सूचना है, ठीक है, एक मैं हो गया ए, ठीक है, एक बी डिपार्टमेंट हो गया, मैं किसी सी की इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ मान लो उसी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, तो दोस्तों उसको सी से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो फर्स्ट पार्टी मैं हो गया, सेकंड पार्टी ये हो गया, थर्ड पार्टी ये हो गया, ठीक है, तो थर्ड पार्टी की दोस्तों मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे तो पीआईओ को 40 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है, 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गया, 30+10 हो गया, राइट। और दोस्तों किसी की लाइफ से जुड़ी सूचना है तो 48, मान लो ए मांग रहा है सूचना, ठीक है, उसकी लाइफ को थ्रेट है, ठीक है, या और प्रकार से वो किसी प्रकार की डिजीज़ है, और मान लो 48 घंटे के अंदर उसको फिर सूचना देनी होगी, ठीक है, व्यक्ति के लाइफ से जुड़ी सूचना को 48 घंटे, तो दोस्तों उसको याद कैसे रखना है, 30, 40, 48, ऐसे याद रखो, पीआईओ को सूचना देनी है 30, 40, 48, 30 दिन 40 दिन 48 घंटे के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन का शुल्क क्या है दोस्तों, बीपीएल रेखा वाले 0 देंगे, ठीक है, और दोस्तों अदर जो हैं जो बीपीएल से के अंडर में नहीं आते वो 10 रुपये प्रति एप्लीकेशन उसको शुल्क देना पड़ेगा, राइट। अब दोस्तों इसका शुल्क कैसे देना है, ठीक है, किसको देना है, पीआईओ है इसके लिए, तो दोस्तों सीए पीआईओ होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का क्या काम है, ठीक है, अपेलेट अथॉरिटी को शिकायत करनी है तो वो कितने दिन में जवाब देगा, राइट। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें दोस्तों इस पूरे एक्ट में अपने पढ़ने वाले हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे क्या बताया गया दोस्तों, सूचना अगर 30, 40, 48 दिन में न दे कौन, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी, तो अपीलीय अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों आप
पहले डब्ल्यू को शिकायत करते हो, ठीक है। डब्ल्यू को शिकायत, डब्ल्यू नहीं करता है कोई काम तो आप ए ओ को शिकायत करोगे, ए ओ नहीं करता है तो सीनियर ए ओ को, ठीक है। सीनियर ए ओ नहीं करोगे तो ए सी डी ए को, ए सी डी नहीं करेगा तो डी सी डी ए को, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर पी सी पी आई ओ अगर आप शिकायत करते हो इसको, ठीक है, सूचना मांगते हो, सॉरी शिकायत नहीं, सूचना मांगते हो, 30, 40, 48 के अंदर नहीं देता है तो आप इसकी शिकायत इसके अपीलीय अधिकारी एपेलेट अथॉरिटी को कर दोगे, राइट। और दोस्तों फिर उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर एपेलेट अथॉरिटी भी कि अपीलेट अथॉरिटी के जवाब से भी आप संतुष्ट नहीं हो या जवाब नहीं देता है तो दोस्तों आप एसआईसी या सीआईसी के अंदर जा सकते हो, ठीक है। एसआईसी का मतलब हो गया स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और ये हो गया सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। राज्य सूचना आयुक्त और ये हो गया दोस्तों केंद्रीय सूचना आयुक्त, राइट। अब इनमें दोस्तों कैसे जाओगे, अब दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी, सीआईसी जो है एसआईसी के ऊपर नहीं है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग पोस्ट हैं स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर। दोस्तों स्टेट का विषय है अगर तो आप एसआईसी के पास जाओगे अपीलीय अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने, अगर सेंटर का विषय है तो आप सीआईसी के पास जाओगे, ठीक है। जैसे दोस्तों रेलवे है सेंटर का विषय है, ठीक है, और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो आप सीआईसी के पास जाओगे, ठीक है। स्टेट का मुद्दा है तो आप स्टेट के अंदर जाओगे, राइट। अब दोस्तों क्या होता है, सीआईसी जो है वो सीआईसी जो है पीआईओ पर जुर्माना लगा सकता है, ठीक है। मान लो उसने सूचना नहीं दी और इस तक सूचना पहुंच गई तो दोस्तों एओ पे नहीं लगाएगा, एपेलेट अथॉरिटी पे, पीआईओ पर जुर्माना लगाता है तो 250 रुपये पर डे और मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का जुर्माना इस पे लग सकता है, राइट। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है। और सीआईसी का दोस्तों कॉम्बिनेशन देख लो, सीआईसी के अंदर टोटल 11 मेंबर होते हैं, 1+10, एक हो गया मुख्य सूचना आयुक्त और 2, 10 जो हैं अलग सूचना आयुक्त इसके रहते हैं, राइट। और दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन का काम है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आमजन को सूचना उपलब्ध करवाना। दोस्तों इस भाव से इस एक्ट को लागू किया गया था, अभी इसमें दोस्तों अमेंडमेंट करके और इसके अंदर एक अमेंडमेंट भी हुआ है, राइट। तो वो अमेंडमेंट भी अपने पढ़ेंगे, राइट। तो आज दोस्तों इस वीडियो को ये रैपअप करते हैं, सूचना आरटीआई एक्ट के बारे में इतनी जानकारी आपको सफिशियंट है, इसका एक्ट जब अलग से पढ़ाऊँ तो और इसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर अपने पढ़ेंगे, मुझे वो चैप्टर इसी वीडियो में इंक्लूड करना था लेकिन दोस्तों वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो अपने उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।